इसमें शिरकत की है और अपनी बात रखी है। विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाया है, वो उसका हक है, कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है। अविश्वास प्रस्ताव आएगा और समय के अनुरूप उस पर बहस होगी, और अगर जो एनडीए और इंडिया का जो नया घटक बना है उसमें अगर हम बात करें, इंडिया नया घटक है, एनडीए तो अटल जी के जमाने से है। 332 सांसद हैं उनके पास, और 141 जो हैं जो गिनती में हैं वो इंडिया के साथ हैं। ये तो बहस का हिस्सा है जो बहस में आएगा, लेकिन मैं ये चाहता हूं जो लोग पहली बार डिबेट में शरीक हो रहे हैं, जो आ रहे हैं, वो अपनी बात जो कहना चाहते हैं, उनको लगता है कि मुझे मेरी बात बोली जानी चाहिए, कही जानी चाहिए। दिल्ली जल बोर्ड के लोग दिख रहे हैं मुझे आज, बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी बात जो कहना चाहते हैं, अपनी बात को कहने के लिए आए हैं, या तो देश के मुतालिक है, या देश की स्थितियों परिस्थितियों के मुतालिक है, या उन्हें लगता है कि नहीं ये बात देश में सुनी जानी चाहिए, कही जानी चाहिए, उसके मुतालिक है, या अपनी बात है, जरूर कहें। और शायद आज अगर मौका लग गया बीच में तो तुम्हारा शेर जरूर हम सुन लेंगे। दो चार बार से मैं तुम्हें दगाबाजी का पाठ पढ़ा रहा हूं, तुम शेर देना चाहते हो, मैं दगाबाजी कर जाता हूं, है ना? शेर है तुम्हारे पास आज? मैं पहले इन सारे लोगों का तारुफ करा देता हूं, परिचय करा देता हूं, और फिर तुम्हारा शेर सुन लूंगा। आप कहां से आई हैं? कहां से आना हुआ? मुंबई। मुंबई से क्या करती हैं आप? डाइटिशियन। अब मुझे बहुत जरूरत है, इस मुल्क को बहुत जरूरत है, बहुत सारे लोगों को जरूरत है, और कोरोना के बाद तो यकीनन बहुत सारे लोग बहुत परेशान हैं। समझ में नहीं आ रहा ये जो डायबिटीज है, शुगर जिसे, समझ में नहीं आ रहा क्या जो खा रहे हैं वो नॉर्मल खा रहे थे पहले, लेकिन जो खा रहे हैं उसके बाद तमाम तरह की समस्याएं आई। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। कहां से आना हुआ था? मैं अमृतसर पंजाब, गुरु नानकपुरा ब्यास जी। बहुत बहुत स्वागत है साहब आपका, कुछ कहना है आपको आज? जरूर कहेंगे, जरूर कहिए, बिल्कुल कहिए, ये शो आपका है, जरूर कहिए। तो मैं आगाज करता हूं, जो मेहमान हमारे साथ आज मौजूद हैं, डॉक्टर अजय उपाध्याय जी, स्वागत करिए भाई, कांग्रेस से प्रवक्ता हैं। अनुजा कपूर बीजेपी की, ताली बजा के स्वागत करिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मीनाक्षी शर्मा बहुत अच्छा बोलती हैं, बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच मीनाक्षी। अंबर जैदी सामाजिक कार्यकर्ता, बहुत बहुत शुक्रिया। फजील अहमद साहब, डॉक्टर फजील अहमद कहना चाहिए, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर विशाल मिश्रा दिल्ली विश्वविद्यालय में है, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। आदिम नाजिम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अमित श्रीवास्तव, बहुत बहुत शुक्रिया। नवल उपाध्याय जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और रमनीश वस्त जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कुछ लोग ऐसे हैं जो डिबेट खत्म होती है तो जहां डिबेट खत्म होती है वहीं चादर और दरी बिछा लेते हैं, सो जाते हैं, और सुबह फिर उठ के वहीं पे खड़े हो जाते हैं। ऐसे दीवाने हैं, जाते ही नहीं है यहां से, प्रतीक्षा करते रहते हैं। नमस्ते बाबू जी, बहुत पीछे खड़े हैं आप, आगे आइए, अच्छा लगेगा मुझे जी। सुनाओ अपना शेर भाई। अब कहां दिल को सुकून मिलता है, अब कहां दिल को सुकून मिलता है, गाढ़ा पकड़े रहिएगा। अब कहां दिल को सुकून मिलता है, हर बार मोहब्बत में मुझे दर्द मिलता है। अब कहां 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 दिल को सुकून मिलता है, हर बार मोहब्बत में मुझे दर्द मिलता है। जहां जाता हूं दर्द की दवा लेने साहब, मुझे तो हकीम भी दगाबाज मिलता है। ऐसे हकीम के पास नहीं जाना चाहिए, और यकीनन हकीम ऐसे नहीं होते, डॉक्टर्स ऐसे नहीं होते जिनको दगाबाज कहा जाए, वो इलाज करते हैं। एक बहन खड़ी है पीछे, कहां से आना हुआ आपका? मैं यहां जम्मू से। जम्मू से, आगे आइए, जम्मू से हैं, कौन कौन लोग आया जम्मू से? आप तीनों लोग, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे आना हुआ इधर? यहाँ पे पोस्टिंग है इनकी। पोस्टिंग है, किस विभाग में है? एयरफोर्स में। एयरफोर्स में, बहुत बहुत स्वागत है आपको। आज कारगिल दिवस भी है, विजय दिवस के रूप में हम लोग उसको मना रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की। थैंक यू सो मच सर, मुझे याद आ गया, बहुत सारी चीजें भूल जाता हूँ, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अविश्वास प्रस्ताव के साथ साथ बात यह है कि विपक्ष को एक चिट्ठी लिखी गृहमंत्री ने, खड़गे साहब तो बहुत नाराज हैं, और विपक्ष का जो चिट्ठी लिखी उसमें उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि सारे लोग बहस में शरीक हों,
और मणिपुर पर चर्चा हो। खड़गे साहब नाराज हैं, उनका क्यों माइक बंद हो गया, इस बात पर वो बहुत नाराज हैं। उन्होंने कहा कि आप सदन के बाहर कुछ बोलते हैं लेकिन जब सदन के अंदर आते हैं तो आपका व्यवहार कुछ और होता है। मैं आगाज करता हूं कांग्रेस से, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, और इसी तरह से एक एक सिलसिला जोड़ता जाऊंगा। दिल्ली जल बोर्ड से आई हुई है, क्या काम करती है वहां पे आप? जी मेरी उसकी मीटर ऑडिटिंग की ड्यूटी है। मीटर ऑडिटिंग की, बड़ा कठिन काम होता है वो? जी सर। वो जब जाती हैं तो दिल्ली वालों को तो मैं जानता हूँ, आप दोपहर में पहुँचती हो तो ये काम तो सोने का है, थोड़ा देर से पहुंचो तो बोले ये काम था समय तो खाने का है, पर कर लेती हैं आप? जी सर जी। बहुत अच्छा, क्या उम्र है आपकी? सर 18 प्लस। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत मंगल कामनाएं, जीवन में तमाम अपार सफलता मिले। कुछ कहना दिल्ली के बारे में कुछ कहना है? सर नहीं, थैंक यू। नहीं कहना है, कुछ नहीं कहना, तुम्हें कहना है? बहुत अच्छी बात है। तुम्हारा शायरी बोलेंगे एक देश के ऊपर। शायरी खुद से लिखी? कैसे मौका मिलता है तुम्हें? ऐसे ही मिल जाता है सर, अपने आप बन जाती है। अरे वाह, अच्छा बॉर्न कवित्री हैं आप, बोलिए सुनाइए। तिरंगे को सर झुकाकर सलाम करने का जो जुनून है जबा से बयां नहीं कर सकते हम, इस जज्बे को हम लफ्जों में बयां नहीं कर सकते। सीना चीर कर देखो हमारा कितनी देशभक्ति है, इसे हम बातों से बयां नहीं कर सकते। खूब मंगल कामना है। क्या नाम है तुम्हारा? शिवानी। खूब 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 यश हो जनाब आली। आज कारगिल दिवस है, कारगिल के जमात शहीदों को श्रद्धांजलि नमन। जहां तक बात आज प्रजातंत्र की हो रही है और जिस तरह से अविश्वास प्रस्ताव का प्रस्ताव लाया है विपक्ष ने, ये संविधान के उसी मर्यादा का ख्याल रखते हुए, हालांकि कारगिल के ही जो वहां जवान थे जो लड़ रहे थे, मणिपुर में उन्हीं की जो पत्नी है उन्होंने एक स्वयं ब्याह किया है कि मैं अपनी पत्नी की आबरू तक नहीं बचा पाया जबकि देश की रक्षा कर पाया और कारगिल में पाकिस्तानियों को जवाब दे पाया, ऐसा तो हालत है। और इस परिस्थितियों में यदि हम कारगिल के उन जवानों को आज श्रद्धांजलि दे रहे हैं जो शहीद हो गए, तो मुझे लगता है कि आपको और इस पूरे चैनल के माध्यम से पूरे देश के उन सभी देशभक्तों को नमन सलाम। जहां तक बात ये अविश्वास प्रस्ताव का है, जिस तरह से मणिपुर के मुद्दे को लेकर के आज 84 दिन है, जिस तरह से भटकाने का, डाइवर्ट करने का, डिफेम करने का प्रयास किया गया और केंद्र सरकार लगातार प्रयास करती रही कि इस मुद्दे को भटकाया जाए, प्रधानमंत्री जी पपुआ से लेकर के और अमेरिका तक पहुंच गए, मिस्र से लेकर के और फ्रांस तक पहुंच गए, लेकिन इसी देश के मणिपुर में वो नहीं जा पाए। हम चाहते हैं कि आप इस पर जवाब दीजिए। 4-5 दिन आज होने को है, 5 दिन में पार्लियामेंट नहीं चलने दिया लेकिन उस पर एक शब्द नहीं आई। हाँ बोला उन्होंने, 36 सेकंड का उनका महान बड़ा विश्वसनीय अंतर्राष्ट्रीय भाषण चला जिसमें मणिपुर शब्द 36 सेकंड के लिए आया और उस 36 सेकंड के पहले सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया था कि यदि आप कार्रवाई नहीं करोगे तो हम कार्रवाई करेंगे। जी आओ झुक कर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मकाम आता है, खुश नसीब होते हैं वो खून जो देश के काम आता है। देश के शहीदों को नमन, आज कारगिल विजय दिवस है और मैं उन सब देवतुल्य आत्माओं को नमस्कार करती हूं। आज मेरे कांग्रेस के भाई फिर राजनीति पे उतर गए और कहने लगे बड़ी बड़ी बातें, भूल गए कि पार्लियामेंट का जो सदन है, ये सदन चलाने की जिम्मेवारी सिर्फ सत्ता की नहीं है, विपक्ष की भी है। और जिस विपक्ष की ये बात करते हैं और कहते हैं कि जो भाजपा स्टेट्स में हम विपक्ष में बैठते हैं, तो मैं पूछती हूँ कांग्रेस और बाकी ऑपोजिशन पार्टी स्टेट्स के अंदर हम विपक्ष में बैठते हैं? और इसीलिए सवाल और जवाब आपसे पूछा जाता है कि राजस्थान और वेस्ट बंगाल में आपने क्या किया, और इसीलिए पूछा जाता है मणिपुर पे नहीं, सिर्फ हर एक आबरू पे बात होगी, हर एक लुटी हुई आबरू पे बात होगी। और इसी बात का दर्द है इनको, क्योंकि इनको लगता है कि बात करते करते कहीं दूर तक ना निकल जाए और लाल डायरी निकलकर कहीं बाहर ना आ जाए। और एक और बात बता दूं, आज इस पैनल में मेरे साथ आम आदमी पार्टी की मेरी बहन भी बैठी है, तो आज मैं बता दूं कि 5 5 5 स्टार होटल में मणिपुर में बैठी है, कोई काम धंधा नहीं कर रही। दिल्ली नांगलोई निहाल विहार की कई बच्चियों के साथ रेप हो गया उनके पीछे से, डीसीडब्ल्यू वहां पे एनसीडब्ल्यू का पूछने गई है, अपनी जगह पूछना भूल गई कि डीसीडब्ल्यू क्या काम कर रहा है। आज यहां पर यही आरोप प्रत्यारोप के अंदर अगर कल अगर आप अपने प्रदेश को देख रहे होते, अपनी जगह को देख रहे होते, तो क्या आपको यह पूछना पड़ता मणिपुर आज जिस जगह पर खड़ा
बोला कि क्यों नहीं हम इस बात पर डिबेट करते हैं, इस बात पर बात करते, पर इनको तो डिस्कशन वर्ष। मैं आया जी, राइट श्योर। देखिए मेरी बहन बहुत, जो बीजेपी प्रवक्ता है, बहुत मेहनत करके बड़ा कच्चा चिट्ठा लेकर आई है और बहुत अच्छी कविता भी सुनाई है, लेकिन उस कविता का सार का क्या फायदा? वो जो कारगिल के जो सैनिक हैं, जो पति है उसके सामने उसकी पत्नी की आबरू लूट जाती है, वो कुछ नहीं कर पाता है, उसको कैसा महसूस होता होगा कि मैं पाक से लड़ लिया लेकिन अपने देश में अपनी पत्नी को नहीं बचा पाया, उसकी आप मानसिक स्थिति समझिए, वो कैसी मानसिक स्थिति होगी उसके अंदर। ऐसे बातें करने से बात नहीं बनती है। मैंने कहा अविश्वास प्रस्ताव, आज देश के अंदर पूरा देश आज प्रधानमंत्री पे विश्वास नहीं कर रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री से जवाबों से भाग रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। आज विपक्ष उनसे जवाब मांग रहा है, पूरे देश की महिलाएं उनसे जवाब मांग रही हैं, लेकिन वो अपना मुंह छिपाए घूम रहे हैं। पूरा बीजेपी, पूरे उनका नेता तंत्र सब उनको बचाने में लगे हुए हैं कि नहीं प्रधानमंत्री जी नहीं आएंगे। क्या गलत करते हैं आज यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, बताइए कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो कहते हैं जी प्रधानमंत्री को नहीं बोलना चाहिए मणिपुर के ऊपर? क्या उन्हें सदन में जवाब नहीं देना चाहिए? केजरीवाल जी, अरे जवाब देंगे वो प्रधानमंत्री। आइए बोलिएगा, आपने मोदी जी के ऊपर कहा, मोदी जी ने तो खुल करके बोला है, आप अरविंद केजरीवाल जी जो कह रहे थे, एक मैडम जी ये बात, अरविंद केजरीवाल जी, पहली बात तो मैं देश की जनता को आज अरविंद केजरीवाल की सच्चाई बताना चाहता हूं। नहीं नहीं, सच्चाई नहीं, मुद्दे पे आओ, मुद्दे पे आओ। वहां बदल रहे थे, भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, ये आए थे भ्रष्टाचार का कोटा खत्म करने, सिक्के की खनक देखकर कूद नाच बैठे, ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं। अरविंद केजरीवाल जी से मैं आज पूछना चाहता हूँ, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था बच्चे की कसम खाता हूँ कांग्रेस से कभी हाथ नहीं मिलाऊंगा, जो अपने बच्चे को ना बख्शे वो देश को क्या बख्शेगा? मुद्दे पे बोलना हो तो बोलाओ, हैं? मैंने पूछा कि मुद्दे पे बोलना चाहिए, और अच्छा सुनिए, मुद्दे पे बोलना चाहिए और भूलना नहीं चाहिए, और इसमें तो आम आदमी पार्टी ने भुलवा दिया, अब तुम क्या करोगे? अब जब तुम याद आए तो बताना, ऑफकोर्स वन बाई वन मुझे डिबेट का पैनल पूरा कर दीजिए जी। बात पाए राजस्थान की, बंगाल की, बिहार की, दिल्ली की, यूपी की, किसी भी राज्य की हो, मैं पूछता हूँ प्रधानमंत्री तो पूरे देश के हैं ना, पूरे देश के हैं कि नहीं है? तो अगर अपराध महिलाओं के साथ चाहे बंगाल में हो चाहे राजस्थान में हो, जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की है कि नहीं है? केवल चिल्ला चिल्ला के कह देने से, हम लोग देश के नागरिक हैं, सबको दर्द होता है, सबकी माँ बहनें इसी बेटियां इसी देश में रहती हैं। आज मणि आप ये मान रहे हैं ना कि बहस होनी चाहिए वहाँ पे, तो क्यों नहीं बहस की है? 267 में जब विपक्ष मांग कर रहा है कि 267 धारा के तहत विपक्ष बहस मांग कर रहा है, आप 172 में देना चाहते हैं जी? प्रधानमंत्री का इतना ही काम रह गया, हर स्टेट में जाकर के खड़ा रहेगा, इतना ही काम रह गया प्रधानमंत्री का, और काम नहीं है क्या? देश तो एक बर्बाद तो चलता नहीं, देश चला रहा है। गजब है भाई, कहाँ दिया ना हुआ भैया, ये यही आओ आ गया। दिल्ली बिहार दोनों का है, तुम दिल्ली बिहार दोनों के हो, क्या नाम है आपका? दिनेश राय। बोले एक घर तो चलता नहीं, वो देश चला रहा है, आप उसमें सवाल पूछ रहे हैं जी, कहाँ से आए? सर मैं दिल्ली से ही हूँ। हाँ, क्या नाम है बेटा? इंद्रेश द्विवेदी। इंद्रेश भाई कूल डाउन, मैं एक बहुत छोटी सी चीज दोनों से पूछना चाहता हूँ, बीजेपी से, कांग्रेस से, आम आदमी पार्टी सबसे, कि जब भी देश में चाहे मणिपुर जैसी घटना हो, चाहे अभी मेरठ की वीडियो आज ही वायरल हुई है, हम लोग सेलेक्टिव क्यों हो जाते हैं? वेरी गुड। बेटी का जब दर्द होता है तो हर बेटी का दर्द बराबर है, हम मनीषा पे एक पक्ष चला जाता है, आसिफा पे दूसरा पक्ष चला जाता है, हम बेटियों को क्यों बांट रहे हैं, उस दर्द को क्यों नहीं कह रहे हैं? वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल। क्या नाम है बाबू आपका? इंद्रेश, क्या काम करते हैं आप? मैं वैसे तो जॉब करता हूँ बट लिखता भी हूँ, मैंने बेटियों के ऊपर एक कविता लिखी है, अगर मैं जरूर सुनूंगा, मौका लग गया तो मैं जरूर सुनूंगा, आप अपना सवाल तैयार करिए जी। सर ये कह रहे थे अविश्वास प्रस्ताव, अरे ये अविश्वास प्रस्ताव नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ है क्या? जी नहीं, इनको लगता है 26 में से कौन भाग गया इसलिए पकड़ के एक वोटिंग करवा लो कि कितने बचे हैं, सुप्रिया सुले तो नहीं भाग गई, क्या देखने के लिए अविश्वास, वरना 141 वाला 303 के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगा। विषय सर
इन्होंने कहा मुद्दा इम्पोर्टेंट है, गिनती नहीं इम्पोर्टेंट है। मैं वही कह रहा हूँ, मुद्दा की बात ही तो कर रहा हूँ। ये जो इंडिया आई डॉट एन डॉट है उसकी जांच है, ये नरेंद्र मोदी के खिलाफ अविश्वास नहीं है, ये जो 26 के बीच का विश्वास है उसके खिलाफ है ये। खैर दूसरा बता, मैं विषय पे आता हूँ। इन्होंने कहा कि संसद में चर्चा होनी चाहिए, गृह मंत्री जी ने पत्र लिख करके कहा कि भैया जितनी देर करना है करो, उसके बाद ये कहने नहीं अब अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे, वो भी एक्सेप्ट हो गया तो आज संसद क्यों नहीं चली, आज सब कल ही हो गया था एक्सेप्ट। इसलिए मैं चार पंक्तें बताता हूं कि हो गया बहुत लोकतंत्र का रोना, अब तो कभी पेगासस कभी अडानी का बहाना चाहिए, सिर्फ हंगामा करा करना हमारा मकसद है। मेरी कोशिश है कि यह संसद नहीं चलनी चाहिए। ये जो विपक्ष है बहुत अच्छा, तुमने उनका शेर ही बदल दिया। जी जनाब अली, मुझे पैनल पूरा करने दीजिए। देखिए जिस तरीके से देश के हालात हैं, और मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूं कि मणिपुर की घटना हो या पूरे देश की, हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा होनी चाहिए। और इससे पहले जो हमारा कारगिल में तो उन्होंने जो सवाल पूछा रजनीश ने, उस पर कुछ बोलना है आपको? नहीं, उस पर भी बोलना। पहले तो मैं अपने कारगिल दिवस पे अपने स्वतंत्रता सेनानी जो मेरे देश में शहीद हो गए उनको विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए अब मैं ये कहना चाहूंगा कि बेटी हिंदू की हो मुसलमान की, बेटी बेटी होती है, बेटी का ना कोई धर्म होता ना कोई जात होती है। जब बेटी की अगर आप जात और धर्म ढूंढेंगे तो इसी तरीके से भारत के अंदर बढ़ जाएंगे। जिस तरीके से देश के वजीर आजम ने इंडिया को इंडियन मुजाहिदीन के नाम से सौंप कर दिया था और इंडिया का नाम इस तरीके से बता दिया था, क्या ये बताइए इंडिया हमारे लिए एक सम्मानजनक नाम है? तो हमारे देश के वजीर आजम ने इसे किस तरीके से पेश कर दिया। जी जरा लास्ट आप है। जी प्रतीक जी, मैं यहाँ पे मैंने सबकी बातें सुनी और काफी वक्त से मैं मणिपुर पे हो रही राजनीति भी देख रही हूँ, और जो अविश्वास प्रस्ताव, आप मेरी बात है, आप अपने समय पे बोलिए, मैं इस तरह से नहीं बोलती, मैं नहीं बोलूंगी, इनको रोकिए। देखिए देखिए जिस तरह से मणिपुर पे राजनीति की जा रही, मैं इसलिए कह रही हूँ राजनीति रुकिए ना, अगर वाकई में अविश्वास प्रस्ताव लाने का मकसद ये होता कि बेटियों की सुरक्षा, तो देश के प्रधानमंत्री तो सिर्फ मणिपुर के तो नहीं है, वो तो बंगाल के भी है, राजस्थान के भी है, मणिपुर के भी है, वो हर जगह के पूरे देश के प्रधानमंत्री है। अगर आप उनको उनसे सवाल करना चाहते हैं, उनको घेरना चाहते हैं, तो देश की हर एक बेटी की सुरक्षा के लिए सवाल कीजिए। अगर आप मणिपुर पे सिर्फ सवाल कर रहे हैं तो मकसद सिर्फ और सिर्फ आपकी राजनीति है, क्योंकि आपकी जो राजनीतिक पृष्ठभूमि खो चुकी है, आपके पास महिला सुरक्षा से बड़ा कोई मुद्दा ही नहीं है। विपक्ष अपनी जमीन खो चुका है, कोई मुद्दा ही नहीं लेके आ रहा है जो जन सरोकार से जुड़ा हो। इस तरह के मुद्दे क्रिएटेड ऑर्केस्ट्रेटेड है, ये यहाँ पर साफ पता चल रहा है। देखिए अगर मेरी बहन मुद्दों की बात करें तो आज इतने मुद्दे हैं, क्योंकि जो ये सरकार है बीजेपी की केंद्र के अंदर, ये सबसे विफल सरकार रही है आज तक के इतिहास के अंदर। आज ये देखिए, महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे नौजवानों का मुद्दा हो, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे व्यापारी का मुद्दा हो, चाहे महिला सुरक्षा का मुद्दा हो, चाहे कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, आज देखें दिल्ली के अंदर अगर कानून व्यवस्था चरमराई है, वो भी केंद्र सरकार की वजह से, कि जो उन्होंने हमारे सर पे एलजी बैठा दिया है, उन्होंने दिल्ली की सारी कहते ना पूरी कानून व्यवस्था बेकार कर दी है। मैं पूछना चाहती हूँ प्रधानमंत्री से, आज जो बंगाल की चर्चा पे चर्चा करने की बात करें, जब दिल्ली के अंदर कंझावला केस हुआ था, जब सराम हत्या हो गई थी, सराम रेप हो रहे थे, तब उनका एक पंजाब की अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है, अरविंद केजरीवाल जी वहाँ नहीं देख पा रहे, दिल्ली में एक लड़की को चाकू से गोद कर मार दिया गया, उस समय अरविंद केजरीवाल कहाँ थे? अरविंद केजरीवाल दोखली और घटिया राजनीति नहीं करते, अरविंद केजरीवाल जी। मुझे पांच मिनट, मैं बीच में डिस्टर्ब नहीं करता, बात इतने संवेदनशील मुद्दे की है, बात सिर्फ महिला सुरक्षा के साथ साथ आप जानती हैं 77 दिन हो गए, 77 दिन बाद आप भी महिला हैं, मैं आप बहन है हमारी, आपका सबका बहुत सम्मान है, 77 दिन बाद वो केस दर्ज होता है, क्या किसी राज्य में, मैं तो उत्तर प्रदेश की भी बात कर लेता हूँ, मध्य प्रदेश की, हरियाणा की भी बात करता हूँ, किसी राज्य में 77 दिन बाद ऐसी घटना के बाद ऐसा कोई दर्ज हुआ क्या? पहली बात। दूसरी बात, इस एक सवाल ये भी है कि वो सरफेस क्यों नहीं हुआ, वो बहस में आएगा, आएगा एकदम आएगा, बहस में आएगा कि वो वीडियो अब तक सरफेस क्यों नहीं हुआ था? दूसरी बात एकदम आएगा। दूसरी बात, आज क्या इस देश में किसी राज्य में इंटरनेट 77 दिनों से बंद है क्या? उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में कहीं बंद है क्या? नहीं है ना। तीसरी बात, जिस तरह से 4000, मैं बीच में नहीं बोलता, वो चिल्ला चिल्लाऊंगा आप लोग कीजिएगा, 4000 लोगों का 4000 अस्त्र शस्त्र जो है लूट लिए गए और ये सरकार चुप बैठी रही, क्या किसी राज्य में ऐसा हुआ?
इस देश में। वेरी गुड, सियासत का सिर्फ यही फसाना है, खुद ही जुर्म करना है, खुद ही मातम बनाना है। पांच सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो निकल कर आती है कि आज ये बात कर रहे हैं कर्नाटका में दो FIR इन उदपी मेडिकल कॉलेज की, सबको मेरे ख्याल से पता है, वीडियो आई थी सामने, पूछना जरा किसका कर्नाटका है। तो आज ये खड़े खड़े होकर यहाँ बातें ना करें, रेप के ऊपर FIR करने वाले लोग जो यहाँ पर खड़े खड़े सदनों में बात करते हैं, अपने राजस्थान अपने कर्नाटका को संभाल नहीं पा रहे। और सबसे बड़ी बात मुझे लगता है कि एक बात बताना भी बहुत जरूरी, इस करप्शन की बात कर रहे हैं, PV नरसिम्हा राव 1993 के अंदर इन्होंने ही पैसा दिया था, ब्राइब दिया था, इन्होंने दिया था किसको, JMM के MP को, कितना इन्होंने दिया था, 1.02 करोड़ रुपया इन्होंने दिया था उन लोगों। देखिए, मैं पहले तो ये एक डिकोरम मेंटेन होना चाहिए भाजपा के लोगों को, यही संस्कार है। क्या राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, कर्नाटका में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में कोई केस दर्ज नहीं हुआ क्या? केस दर्ज हुआ ना, कार्रवाई हुई ना, ये सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है। जवाहरलाल नेहरू को भी आप लोगों ने सदन के अंदर, उन्हीं के कांग्रेस लीडर ने जवाहरलाल नेहरू को भी वहाँ पर सदन में दिया था नॉन कॉन्फिडेंस वोट। पैसों की बात करें तो मैडम बता दें, तालिबान को 300 करोड़ में हमारे टैक्स के पैसे से क्यों दे दिया गया? वो हमारे टैक्स का पैसा था। आपको मणिपुर में चर्चा नहीं करनी, आपको सिर्फ कविताएं सुनानी है यहाँ पे लोगों को, कविता सुनाने में काम नहीं चलेगा। पाजी को लगा कि ब्रेक ले लो, ब्रेक उसे कह रहे थे, ब्रेक ले लो, आ रहा हूं। सब ठीक तो है, आंखें तुम्हारी कंजक्टिव? वैसे एक बात बताएं, कंजक्टिव वायरल जो भी होता है वो सिर्फ देखने से नहीं होता जब तक टच ना हो, लेकिन बी वेरी केयरफुल। वक्त छोड़े से ब्रेक का, ब्रेक के बाद वंदे मातरम, वंदे जगह से ही खिसक गई। जहाँ तक नजर घुमाओ, कुदरत के सामने इंसान की लाचारी साफ दिखने लगी। और उस बीच भारत ही नहीं बल्कि चीन के कई प्रांत भी बाढ़ से बेहाल हो गए। वहाँ के चोंजियांग प्रांत में बाढ़ ने ऐसी तबाही मचाई कि हर तरफ सिर्फ पानी ही का कब्जा दिखा, और इसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें कुछ लोग सड़क पर मौजूद पानी को निकालते नजर आए। वहाँ के चोंगचिंग प्रांत में इतनी बारिश हुई कि सड़कें ही गायब हो गईं और पानी लोगों के दुकानों तक पहुँच गया, जिससे परेशान होकर लोग खुद उस पानी को निकालने में जुट गए। इसके अलावा वहाँ पहाड़ खिसकने की भी एक तस्वीर सामने आई, जिसमें सड़क पर बड़े बड़े पत्थर पड़े दिखे, जिसकी वजह से वो रास्ता बंद कर दिया गया। भारी बारिश की वजह से वहाँ की नदी और नाले उफान पर आ गए और उसका पानी लोगों के घरों में घुस गया। ऐसे में लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हो गए, और वहाँ से जो वीडियो आया उसमें रेस्क्यू टीम एक घर से लोगों को निकालती नजर आई। उधर यमन में तूफान ने जमकर तबाही मचाई और हर तरफ बर्बादी बरसाते तूफान में कई लोग घायल हो गए। वहाँ से रोंगटे खड़े कर देने वाली एक तस्वीर भी सामने आई, जिसमें यमन के अदन शहर के एयरपोर्ट पर तूफान की वजह से हुई बर्बादी साफ दिखी। मूसलाधार बारिश और आंधी के बीच उस एयरपोर्ट का शीशा टूट गया और वो अंदर की तरफ उस हिस्से में गिरा जहां बहुत से यात्री बैठे थे। शीशा गिरते ही वहां भगदड़ मच गई, डरे सहमे लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। उस एयरपोर्ट के अधिकारियों के मुताबिक शीशा गिरने से वहां 6 लोग घायल हो गए, जिसमें 4 बच्चे शामिल थे। तूफान की वजह से कई विमानों को भारी नुकसान हुआ और 2 उड़ानें भी रद्द करनी पड़ी। इस बीच राजस्थान के अलवर से प्यार के लिए पाकिस्तान पहुंची अंजू का एक वीडियो सामने आया, जिसमें वो प्रेमी बताए जा रहे नसरुल्ला के साथ पुलिस के जवानों के बीच पाकिस्तान की एक कोर्ट में जाती हुई दिखाई दी। और इस वीडियो के सामने आने के बाद पाकिस्तान की मीडिया ने अंजू और नसरुल्ला की कोर्ट में शादी होने का दावा किया। हालांकि नसरुल्लाह और अंजू की तरफ से इसकी जानकारी नहीं दी गई, लेकिन पाकिस्तान से आए एक वीडियो ने अंजू और नसरुल्लाह की पूरी कहानी कह दी, क्योंकि उस वीडियो में अंजू पाकिस्तान की एक कोर्ट में बुरके में निकलती दिखाई दी। इस दौरान नसरुल्लाह खान अंजू का हाथ पकड़े नजर आए, जिसके बाद पाकिस्तान की मीडिया ने दावा किया कि अंजू ने अपने दोस्त नसरुल्लाह से निकाह कर लिया। यही नहीं, अंजू और नसरुल्लाह के निकाह नामे की एक तस्वीर भी सामने आई, जबकि अंजू का दावा था कि वो अपने दोस्त नसरुल्लाह से मिलने पाकिस्तान गई हैं और कुछ ही दिनों में लौट आएंगी। लेकिन जब उनकी शादी की खबर सामने आने के बाद अंजू के परिवार में हड़कंप मच गया, क्योंकि राजस्थान के अलवर में न सिर्फ अंजू के पति अरविंद बल्कि उनके दोनों बच्चे भी अपनी माँ के वापस आने की आस देख रहे हैं। वहीं पाकिस्तान की मीडिया ने दावा किया कि अंजू ने धर्म परिवर्तन कर अपना नाम फातिमा रख लिया, और एक रोज पहले भी पाकिस्तान की पुलिस ने यह दावा किया था कि अंजू अपने नए घर पाकिस्तान आकर बेहद खुश हैं।
और वो भारत नहीं लौटना चाहती, जबकि पति अरविंद ने दावा किया कि उनकी पत्नी अंजू ने उन्हें भारत लौटने की बात कही थी। इस बीच पाकिस्तान की मीडिया ने दावा किया कि अंजू ने पाकिस्तान में धर्म बदल लिया और अब उनका नाम फातिमा हो गया। हालांकि अंजू पहले से शादीशुदा हैं और भारत में उनके दो बच्चे भी हैं। अंजू के परिवार वालों के मुताबिक अंजू की शादी अरविंद से 2007 में हुई थी। दावा ये भी है कि 2019 में सोशल मीडिया पर अंजू की दोस्ती पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के रहने वाले नसरुल्ला खान से हुई थी। बाद में दोनों की दोस्ती इतनी बढ़ी कि अंजू अपने पति को बिना बताए और बच्चों को छोड़कर पाकिस्तान चली गई। उधर राजस्थान से पाकिस्तान पहुंची अंजू और उनकी प्रेमी बताए जा रहे नसरुल्ला का एक वीडियो भी सामने आया। दावा किया गया कि ये वीडियो अंजू और नसरुल्ला खान के प्री वेडिंग शूट का है, मतलब शादी से पहले बनाया गया वीडियो। और उस वीडियो में अंजू और नसरुल्ला पाकिस्तान के एक इलाके में घूमते दिखाई दिए। इस दौरान दोनों एक दूसरे का हाथ थामे नजर आए। पाकिस्तान की मीडिया ने इस वीडियो को अंजू और नसरुल्ला के प्री वेडिंग शूट होने का दावा किया। इस वीडियो को ड्रोन कैमरे से रिकॉर्ड किया गया, जिसमें अंजू और नसरुल्ला कभी पार्क, सड़क और एक ब्रिज पर एक साथ दिखे। पाकिस्तान की मीडिया का दावा है कि अंजू ने नसरुल्ला से शादी कर ली। जबकि राजस्थान के अलवर में अंजू की 15 साल की बेटी और उसका 6 साल का बेटा उनके इंतजार में है। पति अरविंद का दावा है कि अंजू ने उन्हें पाकिस्तान जाने की भनक तक नहीं लगने दी और जब वो पाकिस्तान पहुंची तो उन्होंने फोन पर लाहौर में होने की बात बताई। और इस बीच अलवर की रहने वाली अंजू का पाकिस्तान जाने से पहले का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया। ये सीसीटीवी वीडियो 20 जुलाई का बताया गया, जिसमें अंजू पूरी प्लानिंग के साथ अपने घर से निकलती दिखाई दी। और इस वीडियो में 2:03 पर अंजू कहीं बाहर से अपने अपार्टमेंट में दाखिल होती दिखी। उनके हाथ में एक सूटकेस था जिसे उन्होंने अपार्टमेंट के गार्ड के पास रख दिया। उसके बाद वो लिफ्ट के सहारे अपने फ्लैट में जाती नजर आई। इसके ठीक 43 मिनट बाद यानी 2:46 पर वापस आई और अपना सूटकेस उठाया और अपार्टमेंट के बाहर खड़े ऑटो रिक्शा पर बैठकर चली गई। और कहा जा रहा है कि यहां से पहले वो दिल्ली गई, दिल्ली से अमृतसर गई और अमृतसर से वाघा बॉर्डर होते हुए पाकिस्तान चली गई। इससे पहले अंजू ये दावा कर चुकी हैं कि वो पाकिस्तान जाने के लिए बीते 2 साल से प्लानिंग कर रही थी। देश के कई राज्यों में लगातार हो रही बारिश और बाढ़ की वजह से हाहाकार मच गया। पहाड़ी राज्यों में तो जमीन खिसकने और बादल फटने की घटनाओं से कोहरा मचा दिया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बादल फटने के बाद भयानक तबाही आ गई और बादल फटने की वजह से आया सैलाब अपने साथ इमारतों और जमीन के हिस्से को बहा ले गया। और वहां से सामने आए एक वीडियो में नाले के रौद्र रूप से लोग सहम गए। बादल फटने की वजह से पंचा नाला और हुरला नाले में बाढ़ आ गई। वीडियो में मिट्टी और कीचड़ के साथ तेज रफ्तार पानी पहाड़ से नीचे आता नजर आया। बाढ़ की वजह से 5 मकान पूरी तरह तबाह हो गए हैं, जबकि 15 मकानों को नुकसान पहुंचा। गड़सा घाटी में सुबह के करीब 4 बजे बादल फटा, जिसके बाद नदी में इतना पानी बढ़ गया कि नाले पर बना पुल बह गया। नदी की तेज धार ने किनारों को काट दिया और जमीन का कुछ हिस्सा नदी में समा गया। बताया गया कि कई जानवर भी बह गए। वहाँ रह रहे लोग अपने घर मकान छोड़कर सुरक्षित जगहों पर भाग गए। मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 16 दिनों में कुल्लू में 12 से ज्यादा बादल फटने की घटनाएं हुई, जिससे भयानक तबाही आई। और कुल्लू में बादल फटने की वजह से नाले में ऐसा सैलाब आया कि वो अपने साथ सड़क के एक हिस्से को बहा ले गया और पानी की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि वो किनारों को काटते हुए आगे बढ़ता दिखा और सड़क के बह जाने से सामान की ढुलाई करने वाली एक गाड़ी फंस गई, जिसका डराने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक गाड़ी फंसी दिखी क्योंकि बादल फटने के बाद उसके आगे और पीछे की सड़क पानी के साथ बह गई। तस्वीरों में वो गाड़ी पहाड़ों के बीच ऐसी जगह फंसी नजर आई जहां नीचे तेज वेग से बहती नदी और गाड़ी के आसपास खड़ी बड़ी बड़ी चट्टान दिखी। उस गाड़ी के लिए आगे खाई और पीछे कुआं वाले हालात बन गए, क्योंकि उसके लिए आगे बढ़ने और पीछे हटने के लिए सड़क नहीं बची। और बादल फटने की वजह से नीचे उफनती नदी है तो ऊपर पहाड़, जो कभी बड़े हादसे को दावत दे सकते हैं, जिससे वहां लोग दहशत में आ गए। लेकिन उत्तराखंड के चमोली तो पहाड़ खिसकने की ऐसी खौफनाक तस्वीर सामने आई कि लोग दहशत में आ गए और वहां के थराली इलाके में पहाड़ का बड़ा हिस्सा देखते ही देखते टूटकर नदी में समा गया, जिसका डरा देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें रेत की तरह पहाड़ से हजारों टन मिट्टी और पत्थर खिसकता दिखा। वीडियो में मिट्टी के साथ चीड़ के कई पेड़ भी पहाड़ी से नीचे गिरते नजर आए। पहाड़ से आया मलबा नीचे बह रही प्राणमती नदी तक पहुंच गया। पेड़ों के साथ पहाड़ी का हिस्सा नदी की धारा में जा गिरा, जिससे नदी का बहाव रुक गया। पहाड़ खिसकने की वजह से नदी के दोनों तरफ मलबा बिखरा दिखा। बीते करीब 1 महीने में बारिश के दौरान उत्तराखंड के अलग अलग जिलों से पहाड़ खिसकने की ऐसी डरावनी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। वहां आसमान से बरसी तबाही ने भारी नुकसान किया। और उत्तरकाशी जिले से तो लगातार पहाड़ खिसकने की डरावनी तस्वीरें सामने आई। पहाड़ से आए मलबे की वजह से यमुनोत्री हाईवे को बंद करना पड़ा। बारिश के बाद हजारों टन मलबा यमुनोत्री हाईवे पर कई जगह पर गिरा नजर आया, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि पहाड़ से आए मलबे की वजह से हाईवे बंद हो गया, जिससे कई यात्री रास्ते में फंस गए। वहां से जो वीडियो सामने आया उसमें पहाड़ से बड़े बड़े टुकड़े गिरते हुए नजर आए। तभी पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा हाईवे पर आ गिरा। उन गिरते पत्थरों को देखकर ऐसा लगा मानो वहां पत्थरों की बारिश हो रही हो।
पत्थरों के गिरने के साथ ही वहां धूल का गुबार भी उठता दिखा। वहां मौजूद एक यात्री ने अपने मोबाइल कैमरे में पहाड़ गिरने की इस घटना को रिकॉर्ड कर लिया। हालांकि घटना की जानकारी मिलने के बाद प्रशासन पहुंच गया। एक अनोखी खुशबू ब्लैकस्टोन अगरबत्ती। ज्ञानवापी परिसर में सर्वे पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कल तक के लिए रोक बढ़ाई। कल फिर होगी मामले की सुनवाई। मुस्लिम पक्ष ने लगाई सर्वे पर रोक की मांग। लोकसभा में सरकार के खिलाफ कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव पेश। स्पीकर ने दी प्रस्ताव को मंजूरी। तय होगा चर्चा का वक्त। बीजेपी बोली देश को पीएम मोदी पर भरोसा। दिल्ली के प्रगति मैदान में आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया हवन पूजन। थोड़ी देर में G20 के लिए तैयार IECC सेंटर का उद्घाटन। रास्ता वर्तमान में बंद है। बाद में जमीन खोदने वाली मशीन की मदद से सड़क पर पड़े पहाड़ के मलबे को हटाने का काम शुरू किया गया। उधर राजस्थान के उदयपुर से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां पर मोटरसाइकिल सवार दो लोग उफनती हुई नदी के बीचों बीच फंसे नजर आए, जबकि उनकी मोटरसाइकिल सैलाब में बहती दिखाई थी। क्योंकि वहां पानी की धार इतनी तेज थी कि उसके संपर्क में जो भी आता वो बह जाता। वहां से जो वीडियो सामने आया उसमें दो लोग उफनती नदी के बीचों बीच फंसे नजर आए। इस घटना से वहां हड़कंप मच गया। उफनती लहरों को देखकर लोगों की रूह कांप गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम क्रेन के साथ वहां पहुंच गई, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि उन लोगों को निकाल पाना आसान नहीं था। हालांकि कई घंटों की मशक्कत के बाद उन दोनों को बाहर निकाल लिया गया। इधर उत्तर प्रदेश के नोएडा में हिंडन नदी के सैलाब में 400 कारें डूब गई और नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया कि 10 से 12 गांवों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। वहां से आए वीडियो में चारों तरफ बस पानी ही पानी नजर आया और करीब 5 फीट तक भर चुके पानी में 400 से ज्यादा कारें पूरी तरह डूबी नजर आई। वहाँ इतना ज्यादा पानी भरा था कि उसमें डूबी कारों की सिर्फ छत ही नजर आ रही थी। जहाँ भी आपकी नजर जाएगी पानी ही पानी आपको नजर आएगा। 3 दिनों से ये गाड़ियाँ ऐसी ही डूबी हुई हैं और यहाँ पर तकरीबन 5 फीट तक पानी भरा हुआ है। बताया गया कि 3 दिन पहले हिंडन नदी का पानी इतनी तेजी से बढ़ा कि वो इकोटेक 3 थाना क्षेत्र के कई गांव में घुस गया। पार्किंग एरिया में अचानक बाढ़ आने की वजह से कारों को हटाने तक का मौका नहीं मिला। ये सभी गाड़ियां ऑनलाइन कैब सर्विस देने वाली कंपनी की थी जिन्हें यहां खड़ा किया गया था। हिंडन के पानी में किसानों के खेत, लोगों के घर और सड़कें पूरी तरह डूब गई। 10 से 12 गांव ऐसे हैं जो कि डूब क्षेत्र के असहाय में आया हुआ है। बताया गया कि 1978 के बाद इस साल हिंडन नदी का पानी इन इलाकों में पहुंचा। एहतियात के तौर पर प्रशासन ने डूबे क्षेत्र के गांवों को खाली करने के आदेश दे दिए। वहीं दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद में भी हिंडन नदी का जलस्तर बढ़ने से हालात बिगड़ते जा रहे हैं और बताया गया कि पानी भरने की वजह से उस नदी के किनारे बसे कई गांवों और कॉलोनी पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा, जिसकी वजह से लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हो गए। क्योंकि वहां से जो तस्वीरें सामने आई उसमें लोगों के घर आधे पानी में डूबे नजर आए। जहां तक भी नजर घुमाई सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा था। ऐसे में लोग अपने घरों को ताला लगाकर वहां से चले गए। चारों तरफ जो कॉलोनियां हैं वह जलमग्न हो गई है और घरों पर ताले भी लग गए हैं। वहां इतना ज्यादा पानी भर गया था कि NDRF की टीम नाव के सहारे लोगों को रेस्क्यू करती नजर आई। इस दौरान लोग अपनी गाय भैंसों को भी वहां से निकालते दिखे। बताया गया कि हिंडन नदी के किनारे बसे गांव में अचानक पानी बढ़ने लगा और देखते ही देखते हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए कि उन इलाकों को खाली करवाया गया। उधर मध्य प्रदेश की विदिशा में लगातार हुई बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए और बेतवा नदी के किनारे बना एक मंदिर पानी में डूब गया। उसके चारों तरफ बस पानी ही पानी नजर आया। क्योंकि 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश की वजह से बेतवा नदी का जलस्तर बढ़ गया जो किनारों को तोड़ते हुए आसपास के इलाकों में घुस गया। नदी के किनारे बना एक प्राचीन मंदिर बाढ़ के पानी में डूब गया और सड़कों पर सैलाब ने कब्जा जमा लिया। बाढ़ की वजह से हालात इतने बिगड़ गए कि मंदिर में पूजा पाठ भी बंद कर दिया गया। इस बीच मौसम विभाग की चेतावनी ने विदिशा के लोगों की चिंता और ज्यादा बढ़ा दी, क्योंकि मौसम विभाग ने अगले 2 दिन भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद प्रशासन ने लोगों को नदी के आसपास नहीं जाने की अपील की। इस बीच मुंबई के अंधेरी इलाके में पहाड़ खिसकने से दहशत फैल गई और वहां पहाड़ से मलबा सीधे एक इमारत पर जा गिरा जिससे कई मकानों को नुकसान पहुंचा और आधी रात को हुए इस हादसे में लोगों ने घरों से भागकर अपनी जान बचाई। और इस घटना से वहां हड़कंप मच गया क्योंकि जिस पहाड़ से मलबा गिरा उससे वो 7 मंजिला इमारत सटी हुई थी। ये घटना मुंबई के अंधेरी ईस्ट इलाके में हुई। बताया गया कि जब पहाड़ खिसकने की घटना हुई तो तेज आवाज के साथ पहाड़ से गिरा मलबा उस इमारत में बने कई लोगों के घरों की दीवारों को तोड़ता हुआ अंदर घुस गया, जिससे वहां रहने वाले लोग दहशत में आ गए और जान बचाने के लिए बाहर भागे। पहाड़ के जो बड़े जो चट्टान के जो हिस्से हैं वो किस तरीके से दीवार को तोड़ते हुए इस फ्लैट में आए हैं और इस फ्लैट को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। पहाड़ से गिरी चट्टानों ने उस इमारत के 3 घरों को पूरी तरह तबाह कर दिया।
वहीं मौसम विभाग ने महाराष्ट्र में रिकॉर्ड तोड़ बारिश की चेतावनी जारी की। महाराष्ट्र में मॉनसून की दस्तक के साथ ही जो बारिश का सिलसिला शुरू हुआ वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा, और लगातार बारिश की वजह से जगह जगह पानी भर गया, जिसकी वजह से लोगों का जीना मुहाल हो गया। लेकिन ये मुश्किल अभी कम होती नहीं दिख रही, क्योंकि मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए मुंबई और ठाणे में बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया। के अलावा पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधु दुर्ग में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। मुंबई में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से लोगों को सड़कों पर ट्रैफिक जाम और जलभराव जैसी समस्याएं होने लगी। वहीं इसके बीच मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और ज्यादा बारिश होने का अलर्ट जारी कर दिया। उधर तेलंगाना में भारी बारिश के बाद बाढ़ कहर बनकर टूटी, जिसकी वजह से वहां के कई जिले बाढ़ से बेहाल हो गए। वहां से सामने आई तस्वीरें बर्बादी और तबाही का मंजर समेटे दिखी, क्योंकि नदी और नाले अपने रौद्र रूप में दिखे। हर गली कूचे में बाढ़ का पानी खड़ा दिखा, सड़कों पर नदियां बहने लगी। घर हो या दुकान, स्कूल हो या अस्पताल, सब जगह पानी ने कब्जा कर लिया। खेत खलिहान में बाढ़ के पानी ने खड़ी फसल को निगल लिया। पानी के तेज वेग ने बड़े बड़े पेड़ों को जड़ से उखाड़ फेंका। इतना ही नहीं, कई सड़कें पानी के साथ ही बह गईं और कई जगह जगह से ही खिसक गईं। जहां तक नजर घुमाओ, कुदरत के सामने इंसान की लाचारी साफ दिखने लगी। और उस बीच भारत ही नहीं बल्कि चीन के कई प्रांत भी बाढ़ से बेहाल हो गए। वहां के चोंजियांग प्रांत में बाढ़ ने ऐसी तबाही मचाई कि हर तरफ सिर्फ पानी ही का कब्जा दिखा, और इसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें कुछ लोग सड़क पर मौजूद पानी को निकालते नजर आए। वहां के चोंगचिंग प्रांत में इतनी बारिश हुई कि सड़कें ही गायब हो गईं और पानी लोगों के दुकानों तक पहुंच गया, जिससे परेशान होकर लोग खुद उस पानी को निकालने में जुट गए। इसके अलावा वहां पहाड़ खिसकने की भी एक तस्वीर सामने आई, जिसमें सड़क पर बड़े बड़े पत्थर पड़े दिखे, जिसकी वजह से वो रास्ता बंद कर दिया गया। भारी बारिश की वजह से वहां की नदी और नाले उफान पर आ गए और उसका पानी लोगों के घरों में घुस गया। ऐसे में लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हो गए, और वहां से जो वीडियो आया उसमें रेस्क्यू टीम एक घर से लोगों को निकालती नजर आई। उधर यमन में तूफान ने जमकर तबाही मचाई और हर तरफ बर्बादी बरसाते तूफान में कई लोग घायल हो गए। वहां से रोंगटे खड़े कर देने वाली एक तस्वीर भी सामने आई, जिसमें यमन के अदन शहर के एयरपोर्ट पर तूफान की वजह से हुई बर्बादी। तो ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने मौजूद है। आपको बता दें कि ये तस्वीरें बेहद खास है आज पूरे देश के लिए, क्योंकि प्रगति मैदान में नया आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स जो है वो G20 के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए तैयार है, और उसके उद्घाटन के लिए देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है। आपको बता दें, आप समझिए इस तस्वीर को इस लिहाज से कि आईटीपीओ का नया कॉम्प्लेक्स जो है वो दुनिया के शीर्ष यानी कि 10 सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर में शुमार होगा। जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, आप समझिए किस तरह से जर्मनी के हनोवर और चीन के शंघाई जैसे सबसे मशहूर कन्वेंशन सेंटर को ये टक्कर देता हुआ अब नजर आएगा। हिंदुस्तान जो कि जमीन से लेकर आसमान तक अपनी ताकत का लोहा मनवा रहा है, उसी में ये ECC जो है सबसे ज्यादा अहम है। आप 7,000 लोगों के बैठने की क्षमता इसमें तय की गई है, जिस कन्वेंशन सेंटर की तस्वीर भी इस वक्त आप देख रहे हैं, और इसके आधार पर आप ये देखिए कि ऑस्ट्रेलिया के सिडनी ओपेरा हाउस से भी ये बड़ा है, यानी जो कि वैश्विक तौर पर विख्यात है उसको भी तोड़ते हुए एक नया रिकॉर्ड कायम करती हुई देश को ये सबसे नई सौगात, सबसे बड़ी सौगात इस वक्त दी जा रही है। तो जो कन्वेंशन सेंटर इस वक्त आप देख रहे हैं, आपको बता दें कि इंटरनेशनल जो मेगा इवेंट्स होंगे यानी कि बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय जो सम्मेलन होंगे, अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन जो होगा या फिर सांस्कृतिक आयोजन जो कि बहुत बड़े स्तर पर होते हैं, वो अब यहां पर किए जाने शुरू भी हो जाएंगे। और इसके अलावा इसमें 3,000 लोगों के बैठने की क्षमता वाला एक शानदार एम्फी थिएटर भी होगा। इस एम्फी थिएटर के बारे में भी पूरी जानकारी देंगे, लेकिन उद्घाटन यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए ICC का कर दिया गया है। शंख ध्वनि के साथ प्रधानमंत्री जी स्वागत हो रहा है। तू ही मेरी दुनिया, तेरा है तू, तू ही मेरी मंजिल है, पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है, पहचान तुझी से, पहुंचू मैं जहां भी मेरी बुनियाद रहे तू। है वतन मेरे वतन भारत देश हमारा, जहां से प्यारा हमको है, भारत देश हमारा, जहां से प्यारा हमको है, इसमें रहने वाले भारतवासी एक है, भारत
सबके सपने दिल की धड़कन एक है, फिर भी सबके सपने दिल की धड़कन एक है, एक है, एक है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से शुरू करने के लिए मैं हाजिर हूँ। वो तमाम सारे लोग जो दूर से आए हैं, पहली बार आए हैं, कहाँ से आना हुआ आपका? दिल्ली से ही है। दिल्ली से हैं, क्या नाम है साहब आपका? सूरज वान शर्मा। जल्दी से बात अपनी कहिए फिर मैं मुद्दे पे लौटूं। मुझे कई पैनल में ऐसे दो तीन लोग हैं, जनाब आपका बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच जो आप आए। बहुत दिनों बाद शो में आए, सब ठीक है? बढ़िया, थैंक यू सो मच जी। जनाब बोलिए। वैसे तो मुझे कल ही आना चाहिए था। हाँ जी, प्रधानमंत्री ने कहा था नाम कोई भी रख ले, राहुल गांधी ने कहा था कि हम कोई भी बोल ले हम इंडिया हैं। राहुल जी इतने अनजान क्यों बन रहे हो? कांग्रेस के 26 दलों को मिला के भी सबके सब अनजान बने हुए हैं। आप इंडियन हो सकते हैं, इंडिया नहीं हो सकते, क्योंकि इंडिया में 140 करोड़ देशवासी वास करते हैं, आपके अंदर तो दिल भी नहीं है इतना जो है। इतनी नाराजगी कहाँ है आपकी? क्योंकि उन्होंने शब्द ही ऐसा बोला है। कांग्रेस से बहुत नाराज है। क्या नाम है आपका? सूरज भान शर्मा। सूरज भान शर्मा जी, जी मैं आया जी। सूरज जी जी, अरे कहाँ से हैं? झारखंड। हाँ जी, साहबगंज जिला झारखंड। रुको भाई रुको, कहाँ से? साहबगंज जिला झारखंड। तो आजकल तो वो सब गंगा जल चल रहा होगा? बिल्कुल चल रहा सर। समाज हम चल रहा होगा साहबगंज में? अंदर आइए। तो आप चढ़ाने नहीं गए? जी नहीं। अच्छा बोलिए सर जी, मतलब जल्दी बोलिए। सीमा हैदर और मणिपुर, सीमा हैदर मणिपुर, झारखंड, बिहार, बंगाल पर क्यों नहीं बोला जा रहा जो हिंदुओं पर इतना अत्याचार हो रहा है? और किसे बोला जा रहा? बोला किस पे जा रहा है? बस मणिपुर है सीमा हैदर, मणिपुर सीमा हैदर। ये सीमा हैदर कौन है? ये तो आप बताएंगे कौन। बोले ये जो मीडिया वाले हैं ये भी भांग खाए रहते हैं। किस पे चल रहा है चर्चा? ये चल रहा सर जी, संसद में चल रहा है, टीवी में। इसमें कौन सी इसमें चर्चा चल रही है? वो आपके चैनल पर हम देख रहे हैं चर्चा। नहीं, कौन मुद्दे पे? मुद्दे पे क्या है कि सीमा हैदर पाकिस्तान से आई है। कौन है हैदर? कहाँ से आई है? पाकिस्तान से। है तो तुम्हें तकलीफ हो रही है? हाँ तो तुम्हारे घर में रोटी नहीं बननी तो हमसे क्या मतलब? हम तो सीमा हैदर चलाएंगे, हम तो सीमा हैदर चलाएंगे। सही कह रहे हैं जनाब जो आए हैं, जिसके पैर में बिवाई होती है, बिवाई समझते हैं? नहीं जानते हैं। जिसका पैर फटा होता है उसी को कष्ट पता होता है। बोला आप छत्तीसगढ़ नहीं चलाएंगे, आप बिहार की घटना पे बात नहीं करेंगे, बंगाल पे बात नहीं करेंगे, काहे पे बात करेंगे? हाँ जी, झारखंड पे बात नहीं करते आप, सीमा हैदर चलाएंगे। कहाँ से आना हुआ आपका? बिहार से। बिहार से। आज तो सब ऐसे ही लग रहे हैं जैसे हमारे ऊपर ही कूद जाएंगे सब। तो आपको भी तकलीफ है सीमा हैदर की खबर से? सीमा हैदर की तकलीफ नहीं है। लोग हमेशा मणिपुर मणिपुर कर रहे हैं। बिहार में नीतीश कुमार के गिरी जिले से आते हैं, नीतीश कुमार के गिरी जिले में दिन दहाड़े छेक के मुड़ी काट दिया जाता है, पूरा शरीर काट दिया जाता है, और नीतीश कुमार देखने नहीं आते हैं, और प्रशासन नहीं जाता है, पांच दिन तक एफआईआर नहीं होता है। ग्राम शराब माफियों के द्वारा जो शराब माफिया कर रहे हैं, पूरे देश में डंका बजा रहे नीतीश कुमार कि मैंने शराब बंद कर दिया। आज वह शराब माफिया एक 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 पब्लिक शिकायत किया प्रशासन को, तो वो पब्लिक आई पुलिस को, उसको अपराधी को पकड़ा और पा गया और दूर पैसा लेके छोड़ दिया। आप किस पे चलाएंगे खबर? सीमा है, सीमा है, सीमा। देखिए मुझे मोहब्बत की खबर तो मुझे भी अच्छी लगती है। लाओ गुलाब दो मुझे, ला मेरे, जब मेरे लिए लेके आए हो तो मुझे ही दो। मुझे भी मोहब्बत की खबर बड़ी अच्छी लगती है। काहे पे खबर चल रही है? सीमा हैदर। नहीं चलाएंगे झारखंड पे खबर, नहीं चलाएंगे, झारखंड को चलाएंगे, नहीं चलाएंगे बिहार पे, हम बता नहीं चलाएंगे बंगाल पे। आप तो एक काम करो, आप तो सिर्फ गुलाब का फूल ले। खबर काहे पे चलाएंगे? किस पे? कौन है? सीमा हैदर पाकिस्तान से आई है। अच्छा तो क्या कर रही है वो? अभी यहीं रह रही है, इंडिया में रह रही है। अच्छा कहाँ?
नोएडा में तुम सोच रहे होगे ये अजब गाफिल आदमी है, इसको यही नहीं मालूम कि सीमा हैदर कौन है। इसरो से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। कौन सी किताब लाए हैं? एटॉमिक हैबिट्स जेम्स क्लियर है जी। बहुत अच्छा, क्या करते हैं आप? जी मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ। सॉफ्टवेयर डेवलपर है, क्या नाम है आपका? विवेक तिवारी। विवेक जी कहाँ के रहने वाले हैं? जी मैं फिरोजाबाद चूड़ियों के शहर रहने वाला हूँ। फिरोजाबाद के, इसको कि पढ़ेंगे हाँ। सीमा हैदर पे भी जरूर पढ़िएगा। पूरा देश पढ़ रहा है, अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो। हाँ जरूर पढ़िए, ये पाकी पढ़िए ना पढ़िए, लेकिन किस पे पढ़िए? सीमा हैदर पे जरूर पढ़िए। हाँ जी सवाल इकट्ठे हो रहे हैं, हमारा भी एक सवाल है, जल्दी जल्दी करवाओ। आए हाय नहीं तो हैदर हैदर में फंसे रह जाएंगे। आए हाय 47 हो गया तुम, 47 हो गया तुमने, सिर्फ सीमा हैदर हैदर अब पूरा दिन देख रहे हो, तो हमसे नहीं शिकायत कर रहे हो? क्योंकि यहाँ पे मिल गए तो सीमा हैदर पे बात करने लगे। जनाब आली वेरी क्विक, विशाल जी मुद्दे पे लौटेंगे, बातचीत करेंगे, आपको जल्दी है, मुझे आपसे ज्यादा जल्दी है। जी विशाल जी, देखिए भैया जी बहुत संवेदनशील विषय पर चर्चा हो रही है, लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं विपक्ष से। संसद शुरू होने के दिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, जिसको हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता मानवर कह रहे थे 36 सेकंड, कहा चर्चा के लिए, हर बात की चर्चा के लिए तैयार। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा हम चर्चा के लिए तैयार हैं। आदरणीय गृहमंत्री जी ने पत्र लिखकर कहा हम चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन जरा इनका बहुरूपियापन तो देखिए। कह रहे चर्चा चाहिए लोकसभा में 267, राज्यसभा में 183। अरे शर्त रखोगे? खुले दिल से आओ ना, चर्चा करो, दुनिया देखे, देश देखे कि सच्चाई क्या है। लेकिन जानते हैं जब चर्चा होगी तो बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। तो ये जो पब्लिक खड़ी है ना, जिसको ये कह रहे हैं कि हम इंडिया हैं, हम चर्चा करेंगे, आज मैं ट्विटर पे देख रहा था, कल शायद काले कुछ काला वाला बांध के जाने का भी इरादा है। और फिर कहते हैं लोकतंत्र खतरे में, लोकतंत्र के मंदिर में आप चर्चा नहीं कराना चाहते। पिछले के पिछले सत्र को भी नहीं चलाया, कभी पेगासस, कभी हिंडनबर्ग, अब एक मणिपुर, तो सिलेक्टिव क्यों? लेकर आइए ना पश्चिम बंगाल पर भी चर्चा की मांग करिए, लेकर आइए ना राजस्थान पर भी चर्चा की मांग करिए। बहन बेटी, एक भी बहन बेटी के साथ इस प्रकार का अन्याय हुआ हो, चर्चा के लिए आइए। आएंगे सर, मेरा सवाल ये है कि जो 26 दल बन के अलायंस करके इंडिया बन गया, और 38 दल एनडीए क्यों रह गया? 38 क्यों रह गया, मतलब 100 हो जाए क्या? एनडीए क्यों बन के रह गया, इंडिया क्यों नहीं बन पाया? इंडिया क्यों नहीं बन पाया? हाँ इंडिया, यही सवाल। हाँ यही सवाल। कहाँ से आना हुआ? मेरा एटा से। एटा से, उत्तर प्रदेश एटा। देखिए मैं साथी प्रवक्ता जो है, हमारे साथी जो बोल रहे हैं डॉक्टरेट हैं, कई बार कंफ्यूजन हो जाती है, जब इनको कंफ्यूजन है तो देश को कितना कंफ्यूजन होगा। राज्यसभा में 267 के तहत बहस होगी और लोकसभा में 100 उसमें होगी, ठीक है? तो ये दिक्कत इनको है, जब इतने विद्वान लोगों को ये समस्या हो रही है कि ये धारा क्या है, धारा का क्या मतलब है। लोकसभा में और राज्यसभा में यदि उन नियमों के तहत चर्चा होगी तो देश की सरकार उत्तरदायी होगी। प्रधानमंत्री जी प्रधान सेवक कहते हैं ना पूरा, जब हम कह रहे हैं मणिपुर में महिलाओं की सुरक्षा पर बात हो तो ये लोग जो अंधभक्त हैं ये कहते हैं मोदी मोदी, जब हम कहते हैं महंगाई पर चर्चा हो तो ये लोग कहते हैं मोदी मोदी, जब हम कहते हैं देश में बेरोजगारी पर चर्चा हो तो ये कहते हैं मोदी मोदी। अरे ऐसी अनभक्ति मत कहिए, देश में राष्ट्रीय सुरक्षा पर, आंतरिक सुरक्षा का मामला है, ड्रग ट्रैफलर वहां ट्रैफिकिंग का मामला है, जिस तरह से बॉर्डरिंग स्टेट है यदि वहां पे इस तरह का दौर चल रहा है, दो जातीय संघर्ष चल रहे हैं, और देश के गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री आंख पे बड़ा सा पट्टी बंधे हैं, और उससे बड़ा पट्टी जो है इस देश के अंधभक्तों को बैठा है, और सीमा हैदर पर बात होगी, लेकिन देश के महिलाओं की सुरक्षा चीरहरण हो रहा है उस पर चर्चा नहीं। 27 बार इस अविश्वास प्रस्ताव लाया गया सरकार, पूरे देश में 27 बार, यह 28वीं बार है। मैं विपक्षी नेता को, जितने जो गठबंधन बनाए हैं, जितने मोदी सरकार का जो विपक्षी नेता हैं,
उनको आधा से ज्यादा तो इंडिया का जो बनाए हैं एक बहुत बड़ा जो है नेटवर्क, तो उस नेटवर्क का तो फुल फॉर्म मालूम ही नहीं है। क्या जवाब देंगे? कौन सा मंत्री का जो है मेरे से क्वेश्चन पूछिए जिसका सवाल का जवाब नहीं है? कौन भ्रष्ट नहीं है? राहुल गांधी पर अभी क्यों अभी आ रहे हैं राहुल गांधी? वेरी क्विक, वेरी क्विक। हमारे कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि देखिए, अरे मान्यवर पहले ये कही चर्चा, सरकार ने कहा चर्चा को तैयार, इन्होंने कहा कि नहीं, अब कानून पर भी समझौता बन गया। अब देखिए ना, मतलब पलट पलट जा रहे हैं। तो जब पलट पलट आप जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि चर्चा आप भी होने देना चाहते हैं? क्यों नहीं चर्चा नहीं होने देना चाहते? देखिए, मैं सिंप्लीफाई करना चाहती हूँ क्योंकि जनता थोड़ा कंफ्यूज होती है नियमों के उसमें। मैं सिंपल से कहती हूँ, विपक्ष का ये कहना है कि मणिपुर की विषय पर विस्तृत चर्चा होनी चाहिए और उसके लिए जो केंद्र सरकार है वो तैयार नहीं है। और रही इन्होंने कहा बात विदेशों की, आज विदेशों में क्या मैसेज जा रहा होगा? वो प्रधानमंत्री जो छोटे छोटे उद्घाटन करने पहुंच जाता है, सारे विदेश पहुंच जाता है। जाता नहीं है, जाते हैं। हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री आदरणीय केजरीवाल जी हैं और इस मुल्क का प्रधानमंत्री जी है। बिल्कुल, चलिए मैं उसको कहती हूँ, लेकिन जो मैसेज जा रहा है देश विदेश के अंदर वो ये जा रहा है कि ऐसे प्रधानमंत्री इतने गंभीर मुद्दे पे चुप क्यों है, क्यों नहीं बोलना चाहते हैं इसमें जब वो इतना बड़ा भाषण आया? कहाँ से आना हुआ आपका? दिल्ली की हूँ मैं। दिल्ली से? क्या नाम है आपका? पूजा शर्मा चावला। पूजा शर्मा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पूजा जी, जी कैसे आना इधर? बस यूं ही बस उतरी थी यहाँ पे, मैं मेट्रो स्टेशन पे, आपकी आवाज़ सुनी तो रुका नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप कहना चाहें अपनी बात कहिए। जैसे यहाँ पे कह रहे हैं लोग कि मोदी भक्त बने हुए हैं, जो राम के भक्त होंगे वो राम भक्त कहलाएंगे, उसी प्रकार जो मोदी के भक्त होंगे वो मोदी भक्त कहलाएंगे। हम लोग का इस चीज का अधिकार तो बनता ही है ना, आखिर हम हिंदुस्तानी है और हम राम को राम जी नहीं कहेंगे, मोदी को मोदी जी नहीं कहेंगे, तो क्या कहेंगे? मैं ये कह रहा था कि मोदी जी भी कहिए और अरविंद केजरीवाल जी भी कहिए, मैं ये कह रहा, दोनों कहिए, दोनों कहिए जी। मेरे कहाँ से आना हुआ? मैं तो यहीं से हूँ सर, दिल्ली से ही। अरे रुको भैया रुको, अरे नहीं बोला, अरे रुको, जिस बात से आप उन पे टोके हैं कि आप थोड़ा रिस्पेक्ट कीजिए, मैं उस बात पे कहना चाह रहा हूँ कि राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, उनके नाम पे इस देश में इतना सारा जगह है, एक मोदी जी के नाम पे हो जाता है, चार पांच नाम हो जाता है तो उनको दर्द हो जाता है उनको, ठीक है? और उनसे पूछिए राहुल गांधी अभी कहाँ है, उससे हम पूछे तो कह रहे हैं बाद में बताएंगे। अरे रुके, ऐसा नहीं होता। गांधी के नाम रखने से कोई जी नाराज मत होइएगा। नहीं सुनिए भैया जी, गांधी के नाम रखने से कोई महात्मा गांधी नहीं कहा जाएगा। उसके बाद अविश्वास प्रस्ताव को छोड़ करके विपक्ष को विश्वास प्रस्ताव लाना चाहिए और उन 26 पार्टियों के बीच में, क्योंकि 26 के 26 गठबंधन में 2019 में भी हमने देखा था 17 पार्टियां बनी थी, उन पार्टियों का क्या हुआ? उसके बाद इन पार्टियों का गठबंधन का क्या होगा? देखिए विपक्ष का, आप देखें केरला में और कांग्रेस, केरला में कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट में बनती नहीं है। आप पश्चिम बंगाल में देखिए कि टीएमसी और कांग्रेस के नेता, यानी एक कांग्रेस में चली जाती है टीएमसी की कार्यकर्ता तो उसके साथ क्या होता है, वो नंगा करके उसको घुमाया जाता है गांव में। मैं जी डॉक्टर साहब देखिए ये सही बात है, शब्दों का बहन जो है हेर। अरे कोई भाई इतनी बड़ी बात नहीं है, वो कभी कभी हो जाता है, अब उसको इतना ना कहिए बार बार, हो गया ठीक है मीनाक्षी जी, अब वो कोई बात नहीं, ऐसी बड़ी बात नहीं है, हो गया सीख लिया, एक हर आदमी तो सीखता है। डॉक्टर साहब इतना ना करो कि मतलब आदमी अगली बार तो बोलना ही ना आए। नहीं नहीं, हट आगे। राहुल गांधी जिसके पिता इस देश के लिए शहीद हो गए उन पर क्या बात कर रहे, कम से कम इतना सबको तो सोचना चाहिए, सबको तो जो चाहिए। जिसने अपने प्राणों की आहुति दे दी, जिसकी दादी शहीद हो गई, जिसके परिवार का दो दो प्रधानमंत्री शहीद हो गया, आप शहीदों पर भी आप बात करते हैं, देश के शहीदों का भी अपमान करते हैं। अरे आप ये अधिनायक बात है कि किसी का पिता शहीद हो गया तो राहुल जी को भी हम प्रधानमंत्री बना दे, और सर ये भक्त कहते हैं जनता को भक्त कहकर उसने तुमने उनको भगवान बना दिया है, यही भी भक्त की गलती है कि जनता को भक्त कहते हो भगवान। और ये 267 पे सर, 267 पे बहस होगा तो नोडल ऑफिसर जवाब देगा और नोडल ऑफिसर गृह मंत्री। ठीक जी, प्रधानमंत्री कौन बनेगा, देश की जनता आशीर्वाद देगी वही बनेगा। ये राहुल जी न कभी कहते हैं न चाहते हैं, देश की जनता जिसको चाहेगी होगा ये सब। लेकिन एक सच है और ये सच तो इस देश को मानना पड़ेगा, जिन लोगों के घरों में
उनके बच्चे के पसीने भी नहीं गिरे, वो आज राहुल गांधी और गांधी परिवार पर जब प्रश्न करते हैं तो अपने गिरबान में झांकना चाहिए। अभी मेरे भाई ने ये बोला कि इंदिरा गांधी शहीद हो गई है ना, और महात्मा गांधी शहीद हो गए, जवाहरलाल नेहरू शहीद हो गए, तो इस दिन से पूछो लाल बाल पाल, लाल बहादुर शास्त्री, बाल गंगाधर तिलक, शिवाजी, रानी की झांसी, वो कौन थे, कौन थे वो कैसी है? देखिए देखिए मैं एक चीज क्लियर कर दूं, महात्मा गांधी उस रो में नहीं आते जिसमें बाकी पॉलिटिकल पार्टी के लोग आते, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता, इसलिए उनको उस कैटेगरी में मत करिए। हाजी आराम से, हाजी कहाँ से आ रहे हैं? अमृतसर से, अंबरसर से आए हैं। राजू लाल के एकड़ा उधर गोविंद सिंह नाम का हूँ जी, बोलिए। राजू मेरा नाम है, मैं राजू रजीत सिंह गुरु नानकपुरा ब्यास अंबरसर से आया हूँ जी, बोलिए। बेनती है कि अब ये किसका माँ मर जाती, किसका बेटा मर जाता है, ये जो सियासी लोग है ना अपनी रोटियां सेकते हैं, ये रोटी नहीं सोकनी चाहिए। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूँ अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा पॉलिटिकल कार्यक्रम आर पार 2024।